हेलो फ्रेंड्स, अंशदीप रेसिपीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अनाज अंकुरित कैसे करें एक ही दिन में। मैंने आपको बताया था मूंग और चने को कैसे एक ही दिन में अंकुरित करें, और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस अंकुरित अनाज का हम चटपटा सा चाट कैसे बनाएं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसे मैंने गरम कर लिया है और एक चम्मच मैं इसमें घी डाल रही हूँ। और इसमें मैंने भुनी हुई मूंगफली जो मैंने छील लिया था उसे इस घी में डालकर थोड़ी देर अच्छे से भून लेंगे, जिससे इसका क्रंच है ना चाट में बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे अच्छे से भूनने के बाद हमने जो अंकुरित किया हुआ है ना मूंग और चना उसे डाल लेंगे। यदि आप अंकुरित अनाज को हल्का सा भून लेंगे ना तो वो बहुत ही टेस्टी लगता है। वैसे हल्का सा भून कर ही खाना चाहिए। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है प्याज, हरी मिर्च और टमाटर। और यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम जो है ना वो ऑफ़ कर दिया है ताकि प्याज का क्रंचीपन बरकरार रहे। और इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च, थोड़ा सा ही मैंने यहाँ लाल मिर्च भी डाला है। यदि आपको तीखा ज़्यादा पसंद नहीं है तो लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डालकर अब इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा ही गरम मसाला, बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है इसका। बिल्कुल थोड़ा सा ही डालें, बहुत स्वादिष्ट लगता है ये चाट। तो इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लगभग ये रेडी हो चुका है, इसमें डाल दिया मैंने हरा धनिया। तो लीजिए दोस्तों, फटाफट से बन गया अंकुरित मूंग और चने का चाट। तो चलिए फटाफट से इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यह मैंने इसे निकाल लिया है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी सा चाट बनकर हो जाता है तैयार। यहाँ मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ नींबू का रस जो इसके स्वाद में चाट चांद लगा देगा। थोड़ा सा ही ऊपर से नमक, हल्का सा चाट मसाला, थोड़ा सा ही सेव डाल दिया है और बारीक कटे प्याज, थोड़ा सा धनिया का पत्ता से गार्निशिंग। तो हो गया ना चाट तैयार, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी। तो बनाइएगा ज़रूर और टेस्ट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपका चाट जो है वो कैसा बना। और यदि मेरी ये चटपटी अंकुरित अनाज के चाट की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।